संसद की कार्यवाही चल रही है और कार्यवाही के दौरान हंगामा थम नहीं रहा। आज फिर दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया और नतीजा ये हुआ, आज लोकसभा से 33 और राज्यसभा से 45 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड किए गए सांसदों में कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके के सांसद हैं। तो विपक्ष के सांसदों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई, जिस तरीके से हल्ला हंगामा हो रहा है, कई सांसदों को एक साथ निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा से सिर्फ अगर हम बात करें तो आज 45 सांसद सस्पेंड। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता जुड़ रहे हैं। परमिशन ऑफ चेयर श्रीमती कांता कर्दम। पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, मुझे तो याद नहीं आता कि एक साथ इतने सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया हो। अखिलेश, मुझे भी सही बताऊं तो याद नहीं आ रहा है। हालांकि करीबन एक दशक से मैं भी जो संसद में रोजाना आज जब भी सत्र होता है आता जाता हूं, और उससे पहले भी जब मैंने कई जो है यहां पर और मुझसे भी पहले से जो पत्रकार आते हैं जब मैंने उनसे भी बात की है तो उनमें से यकीन मानिए किसी को याद नहीं आ रहा था कि इतने बड़े पैमाने पर इससे पहले कभी जो है सस्पेंशन की कार्रवाई की गई हो। और अखिलेश, हमको यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए, यहाँ पर तो लोकसभा में जो विपक्ष के जो नेता अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के नेता है, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। और उसके अलावा तमाम जो है जो ऐसे सांसद जो कई जो है दशकों से यहां पर सांसद बने हुए थे और जीत करके आ रहे थे, उनको भी सस्पेंड किया गया है। और इसी वजह से अब विपक्ष जो एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा है वो ये कह रहा है कि देखिए, आपने विपक्ष की आवाज को जो है दबाने के लिए उसको बुलडोज कर दिया है। बुलडोजर शब्द का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि विपक्ष की मांग ये थी कि गृह मंत्री या प्रधानमंत्री सदन में आकर के आपको रोक रहा हूं। ABP News आपको रखे आगे।